अम्बे अम्बिके अम्बालिके नमानयति कश्चन ससत्स्य श्वक सुभद्रिकाम कांपीलवासिनीम। जिन्हें अम्बा अम्बिका और अम्बालिका जैसे विभिन्न नामों से पुकारा जाता है, जो सुभद्रिका और कांपिल्यवासिनी जैसे नामों से जगत में विख्यात हैं, हम सब उस माँ अम्बा के प्रत्येक रूप को प्रणाम कर उनका आवाहन करते हैं। तालुका दांता, जिला बनासकांठा, राज्य गुजरात। यहीं अंबिका वन में आरासुर की पहाड़ियों के दक्षिण पश्चिम में अरावली की पुरानी पहाड़ियों में गब्बर पर्वत पर विद्यमान है अंबाजी माता का ये मूल पवित्र स्थान, जो ब्रह्मांड की सर्वोच्च ब्रह्मांडीय शक्ति का उद्गम स्थल है। देवी पुराण में वर्णित मां शक्ति के 51 शक्तिपीठों में से एक इस प्राचीन मंदिर में करोड़ों श्रद्धालु मां अम्बा का आशीर्वाद लेने आते हैं। इन शक्तिपीठों के बनने के संदर्भ में अनेक पौराणिक कथाएं जनमानस में प्रचलित हैं। उन्हीं में से एक कथा है प्रजापति दक्ष और मां सती की। एक बार प्रजापति दक्ष ने संसार का पूर्ण रूप से संचालन करने हेतु एक सभा बुलाई। उस सभा में सभी देवी देवताओं के साथ ब्रह्मा, विष्णु और महेश भी उपस्थित थे। प्रजापति दक्ष के आगमन पर सभी उपस्थित देवताओं ने अपने स्थान पर खड़े होकर उनका आदर किया, परंतु भगवान शिव ने ऐसा नहीं किया। इस बात से क्रुद्ध होकर महाराज दक्ष ने कहा, शिव, मेरे आगमन पर सभी उपस्थित देवताओं ने अपने स्थान पर खड़े होकर मेरा अभिनंदन किया, लेकिन तुमने ऐसा न करके मेरा अपमान किया है। तुम जैसे मुंडधारी, गले में नाक को लपेटे, शरीर पर शमशान की भस्म लपेटे प्रेत को तो इस सभा में बुलाना ही नहीं चाहिए था, परंतु मेरे दामाद होने के कारण तुम्हें इस सभा में बैठने की अनुमति मिली। ये सब ज्ञात होते हुए भी तुम्हारा यह दुर्व्यवहार हमें स्वीकार नहीं है। हे प्रजापति, अगर आपको ऐसा लगता है कि मैंने खड़े ना होकर आपका अपमान किया है, तो मैं क्षमा प्रार्थी हूं। आप मेरी अर्धांगिनी सती के पिता हैं, मैं भला आपका अनादर कैसे कर सकता हूं। मेरे हृदय में आपके लिए सदैव आदर एवं प्रेम ही है। तुम अपने प्रपंचों से मेरी पुत्री सती को भ्रमित कर सकते हो शिव, परंतु मुझे नहीं। मैं अभी तुम्हें इस दुराचार का दंड दूंगा। जाओ, मैं तुम्हें श्राप देता हूं शिव कि इस संसार में अब जब भी कोई यज्ञ का आयोजन होगा, तुम सभी यज्ञों से बहिष्कृत रहोगे, तुम्हें किसी भी पूजा नहीं जाएगा। प्रजापति दक्ष के इस श्राप से तो मानो जैसे पूरे संसार में पूजा पाठ करना ही निषेध हो गया था। शिव की आराधना किए बिना भला कोई यज्ञ कैसे आयोजित कर सकता है। तब नारद मुनि अपने भ्राता दक्ष को समझाने उनके पास पहुंचे और उनसे कहा, नारायण नारायण भ्राता दक्ष, क्रोध के वशीभूत आपने तो देवों के देव महादेव को ही श्राप दे दिया। ऐसा लगता है कि संसार में ना तो अब पूजा पाठ होंगे और ना ही यज्ञ होंगे, क्योंकि महादेव की आराधना किए बिना तो सब पूजन विधान अधूरे ही रहेंगे। यह केवल आपका भ्रम है भ्राता नारद, केवल भ्रम। आपको और समस्त संसार वासियों को अगर ये भ्रम है कि उस अघोरी शिव के बिना पूजा पाठ या यज्ञ नहीं हो सकते, तो मैं स्वयं ही एक यज्ञ का आयोजन कर सभी की शंकाओं पर पूर्ण विराम लगा दूंगा। नारायण 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 नारायण। प्रजापति दक्ष ने
कनखल में एक उत्तम यज्ञ का आयोजन किया। उस यज्ञ में सम्मिलित होने के लिए प्रजापति ने ब्रह्मा, विष्णु, इंद्र एवं सभी अन्य देवी देवताओं को आमंत्रित किया, परंतु अपनी बात सिद्ध करने हेतु उन्होंने भगवान शिव और सती को निमंत्रण नहीं भेजा। जब सती को ये ज्ञात हुआ तो वो स्वयं ही यज्ञ में सम्मिलित होने एवं अपने पिता से मिलने कनखल जा पहुंची। सती को देखकर प्रजापति दक्ष क्रोधित हुए और उन्होंने अपनी ही पुत्री का तिरस्कार करते हुए कहा, जब तुम्हें और तुम्हारे शिव को निमंत्रण ही नहीं दिया गया तो तुम इस यज्ञ में क्या करने आई हो सती? यह उत्तम यज्ञ है, जाओ, यहां तुम्हारी या तुम्हारे शिव के लिए कोई स्थान नहीं है। पिताश्री, आप मेरे स्वामी शिव की निंदा बंद करें। आप ऐसा सोच भी कैसे सकते हैं कि बिना शिव की आराधना किए कोई यज्ञ सफल भी हो सकता है? अगर आप ऐसा सोचते हैं तो यह आपकी बहुत बड़ी भूल है पिताश्री, बहुत बड़ी भूल। भूल? कैसी भूल? इस यज्ञ में जिन देवताओं को उपस्थित होना चाहिए था वे सभी यहां उपस्थित हैं। यहां संसार को भ्रमित करने वाले तुम्हारे अघोरी शिव की कोई आवश्यकता नहीं है। पिताश्री, मैं फिर कहती हूं कि शिव निंदा बंद करें। मुझे लज्जा आती है ये कहने में कि मैं आपकी पुत्री हूं। मैं अब इस देह में रहकर आपकी पुत्री बनना अस्वीकार करती हूं। मैं अभी इस अग्निकुंड में कूदकर अपनी देह का त्याग करती हूं। अपमान से पीड़ित सती ने अग्निकुंड में कूदकर प्राणाहुति दे दी। सती की मृत्यु का वृत्तांत जानकर क्रोधित शिव ने प्रलयंकारी तांडव प्रारंभ किया। प्रवाह पावित स्थले गलेव लंबि लांबिताम भुजंग तुंग मालिकाम टमट मट अट अग्नि नाद वट वर्वयम चकार चंड तांडवम शिवा शिवम शिवा शिवम शिवा शिवम। तांडव रथ शिव यज्ञ स्थल पर पहुंचे और सती की दिव्य देह को अपने हाथों में उठाकर चारों दिशाओं में विचरण करने लगे। पृथ्वी समेत तीनों लोक व्याकुल हुए तो भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से सती की दिव्य देह को 51 भागों में विच्छिन्न कर दिया। धरती पर जिन 51 स्थानों पर देवी सती के अंग कटकर गिरे वे सभी स्थान शक्तिपीठ बन गए। तंत्र चूड़ामणि में वर्णन मिलता है कि देवी सती का हृदय गब्बर पर्वत पर इसी स्थान पर गिरा था जहां आज ये प्राचीन मंदिर स्थापित है। 999 सीढ़ियां चढ़ने के बाद भक्त गब्बर पर्वत की चोटी पर पहुंचते हैं जहां मां अंबा की अखंड ज्योत जो सदियों से प्रज्वलित है श्रद्धालु उसके दर्शन करते हैं। इस प्राचीन मंदिर में मां अंबा ज्योत स्वरूप विराजमान है। दिव्य ज्योत के साथ साथ गब्बर पर्वत पर मां अंबा के पद चिन्ह एवं रथ चिन्ह भी विद्यमान है। पृथ्वी पर स्थापित देवी के 51 शक्तिपीठ ब्रह्मांडीय शक्ति के केंद्र माने जाते हैं। वैसे तो अधिकांश शक्तिपीठ भारत में ही स्थित हैं, परंतु इनमें से कुछ विदेशों में यानी
बांग्लादेश, नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका और तिब्बत में भी स्थित हैं। प्रत्येक श्रद्धालु की ये मनोकामना होती है कि वो इन 51 शक्तिपीठों के दर्शन कर सके, परंतु वर्तमान समय में इन 51 शक्तिपीठों के दर्शन करना हर किसी श्रद्धालु के लिए संभव नहीं है। इस असुविधा के निवारण हेतु, या कहें श्रद्धालुओं की 51 शक्तिपीठों के दर्शन की मनोकामना भी इस धाम पर पूर्ण हो जाती है। गब्बर पर्वत की 3 किलोमीटर की परिक्रमा में 51 शक्तिपीठों के मूल मंदिरों की प्रतिकृतियों की प्राण प्रतिष्ठा की गई है। ये सभी मंदिर मूल मंदिर की प्रतिलिपि हैं और इनमें वैसे ही पूजा अर्चना की जाती है जैसे कि मूल मंदिर में होती है। मां आद्य शक्ति के वैसे तो अनेक रूप हैं, लेकिन श्री आरासुरी अंबाजी से जुड़ी एक और कथा जनमानस में प्रचलित है, जिसमें मां के दिव्य महिषासुर मर्दिनी के रूप का उल्लेख है। देवी भागवत पुराण में वर्णित ये कथा है महिषासुर की, जिसका संहार मां शक्ति ने किया था। महिषासुर ने ब्रह्मा जी को प्रसन्न कर उनसे वरदान प्राप्त किया कि उसे कोई भी मनुष्य, पशु या देव नहीं मार सकता। वरदान मिलते ही जब महिषासुर ने तीनों लोक में हाहाकार मचा दिया, वो अत्याचार का जीवंत प्रतिमान बन चुका था। मेरी शक्तियों के समक्ष अब कोई भी देवता या मनुष्य मुझे परास्त नहीं कर सकता। ब्रह्मा जी के वरदान से तो मैं अब काल को भी चुनौती दे सकता हूँ। मैं अजय हूँ, मैं अमर हूँ, मैं महिषासुर हूँ, महिषासुर। महिषासुर के आतंक को रोकने के लिए भगवान ब्रह्मा, विष्णु और महेश ने सर्वोच्च मूल ब्रह्मांडीय शक्ति महादेवी आद्य शक्ति की पूजा की, जिससे देवी शक्ति ने 10 हाथों सहित देवी दुर्गा का सुंदर रूप धारण किया। लगातार 9 दिन और रात तक चले इस युद्ध के अंतिम 10वें दिन मां दुर्गा ने अपने पवित्र खड्ग से महिषासुर का वध किया और महिषासुर मर्दिनी के नाम से जगत में विख्यात हुई। गिरिनंदिनी नंदितु मेदनि विश्व विनोदनि नंदितुने गिरिवरविंद शिरोदिनि वासिनि विष्णु विलासिनि जिष्णुनुते भगवति हे सिद्धि थंत कुटुंबुनि भूरि कुटुंबुनि भूरि कुटे जय जय हे महिषासुर मर्दिनि रम्य कवरदिनि शैलुसुते हो हो जय जय हे महिषासुर मर्दिनि जय जय हे जय जय हे महिषासुर मर्दिनि जय जय हे महिषासुर मर्दिनी के वात्सल्य रूप को मां अंबा माना जाता है। गब्बर पर्वत से लगभग 5 किलोमीटर दूर मां अंबा का नवनिर्मित निज मंदिर भी स्थापित है। वैसे तो ये मंदिर 1200 वर्ष पुराना है, परंतु वर्ष 1975 में इस मंदिर परिसर के पूर्ण जीर्णोद्धार का कार्य आरंभ हुआ। ये मंदिर अपनी सुंदर वास्तुकला एवं भारतीय पारंपरिक संस्कृति के लिए भी व्यापक रूप से प्रशंसित है। अद्भुत नक्काशी से परिपूर्ण इस मंदिर के 103 फीट के शीर्ष पर एक स्वर्ण कलश स्थापित है। ये स्वर्ण कलश आरासुर पहाड़ियों की खदानों से लाए हुए संगमरमर से बना है, जिसे सोने से मढ़वाया गया है। हवा में लहराता मां अंबाजी का ध्वज और उसके साथ
राजसी त्रिशूल भी मंदिर के शीर्ष पर सुशोभित है। ये भारत का एकमात्र शक्तिपीठ है जहां लगभग 358 स्वर्ण कलश मंदिर की शोभा बढ़ा रहे हैं। देवी शक्ति को ब्रह्मांड के सर्वोच्च नियंत्रक के रूप में माना जाता है। श्री आरासुरी माता अंबाजी के निज मंदिर में देवी की कोई मूर्ति या चित्र नहीं है, बल्कि मंदिर की भीतरी दीवार में गोख जैसी एक गुफा है जिसमें संगमरमर से निर्मित एक पवित्र वीशा यंत्र स्थापित है। ये भी मान्यता है कि ये वीशा यंत्र नेपाल के मूल यंत्रों और उज्जैन शक्तिपीठों से भी जुड़ा हुआ है। इस वीशा यंत्र में इतना तेज है कि इसकी पूजा यहाँ के पुजारी आज भी आंखों पर पट्टी बांधकर करते हैं। निज मंदिर के पवित्र गोख में विराजमान देवी शक्ति को एक दिन में 3 रूपों में सजाया एवं पूजा जाता है। प्रातः काल में मां अंबे के बाल्य रूप को प्रसाद के रूप में बाल भोग के साथ पूजा जाता है, तो दोपहर को सोने के थाल में राजभोग प्रसाद के साथ यौवन रूप की पूजा की जाती है। सायंकाल में सायं भोज के साथ प्रौढ़ रूप में उन्हें पूजा जाता है। मुख्य मंदिर में स्थापित मां अंबा की चांदी की पादुका हो या मां के गोख के ठीक सामने देवी के पवित्र सिंह की मूर्ति हो, भक्त श्रद्धा भाव से अपना शीश झुकाते हैं। श्रद्धालु मां के शेर को कंकु पूजा करके पूजते हैं। इसी निज मंदिर के सामने चाचर चौक है जहां एक अखंड ज्योत आज भी प्रज्वलित है। पौराणिक कथा के अनुसार इस अखंड ज्योत को मां अंबा के भक्त अखेराज ने प्रज्वलित किया था। हर युग में मां अंबा ने अपने भक्तों का उद्धार किया है और उन भक्तों में मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम का नाम भी आता है। त्रेता युग में घटित ये किंवदंती आज भी यहां सुनाई पड़ती है। माना जाता है कि सीता माता की खोज करते हुए भगवान श्री राम और लक्ष्मण अर्बुदा के जंगलों में आए थे। यहां उनकी भेंट ऋषि श्रृंगी से हुई। ऋषि श्रृंगी ने ही श्री राम को देवी शक्ति की आराधना करने के लिए प्रेरित किया। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम ने जब देवी की आराधना की तो मां अंबा ने उन्हें दर्शन दिए। हे राम, मैं तुम्हारी आराधना से प्रसन्न हूं, बोलो तुम्हें क्या वरदान चाहिए? हे जगत जननी, हे सर्वेश्वरी, आपका दर्शन प्राप्त करना ही मेरे लिए सबसे बड़ा वरदान है। आप सर्वव्यापी हैं, सब जानती हैं। अगर आप मुझे कोई वरदान देना चाहती हैं तो कुछ ऐसा वरदान दीजिए जिससे इस संसार का कल्याण हो सके। हे दशरथ नंदन, मुझे ज्ञात है कि आप इस भूलोक पर क्यों अवतरित हुए हैं। मैं आपको दिव्य अजय बाण प्रदान करती हूं। यह बाण अचूक है। आप इससे जिस भी प्राणी पर प्रहार करेंगे उसकी मृत्यु निश्चित है। मान्यता है कि इसी अजय बाण से श्री राम ने रावण का वध किया था। श्री आरासुरी माता अंबाजी मंदिर के ठीक पीछे समर्पित अजय माता मंदिर स्थित है। यहां से लगभग 8 किलोमीटर की दूरी पर कोटेश्वर महादेव का एक प्राचीन मंदिर विद्यमान है। आज भी ऐसा विश्वास है कि रामायण के रचयिता महर्षि वाल्मीकि का एक आश्रम इसी स्थान पर स्थापित था। ये पावन स्थान वैदिक कुंवारी नदी सरस्वती के उद्गम स्थल के रूप में भी जाना जाता है। आस्थाएं युगों के महासागर लांघती हुई समय की धार पर अनवरत यात्रा करती हैं।
अंबा माँ के इस पावन धाम का महात्म्य भी त्रेता को लांघकर द्वापर तक चला आया। मान्यता है कि गब्बर पर्वत पर ही भगवान श्री कृष्ण का मुंडन हुआ था। इसी मान्यता के चलते आज भी श्री आरासुरी माता अंबाजी मंदिर के पीछे स्थित मानसरोवर कुंड में लोग मुंडन संस्कार के लिए आते हैं। महाभारत ग्रंथ में भी इस दिव्य स्थान का वर्णन मिलता है। ऐसा कहा जाता है कि राजकुमारी रुक्मिणी ने भाद्रपद की पूर्णिमा के दिन गब्बर पहाड़ी पर श्री कृष्ण से विवाह करने के लिए मां अंबा की आराधना की थी। मां अंबा ने प्रसन्न होकर उन्हें श्री कृष्ण की अर्धांगिनी होने का आशीर्वाद दिया था। ऐसी मान्यता है कि इस प्रसंग के पश्चात ही इसी दिव्य स्थान पर पहली बार नवरात्रि पर्व गुजराती गरबा शैली में मनाया गया था। अंबाजी में भाद्रपद पूर्णिमा के शुभ अवसर पर बहुत बड़े मेले का आयोजन होता है। 7 दिन तक चलने वाले इस मेले के दौरान देश विदेश से आने वाले श्रद्धालुओं का आंकड़ा 25 से 30 लाख तक पहुंच जाता है। इस अवसर पर पूरे मंदिर परिसर और अंबाजी गांव का श्रृंगार किया जाता है। इस देवस्थान की दिव्यता को संरक्षित करने के लिए वर्ष 1958 में श्री आरासुरी अंबाजी माता देवस्थान ट्रस्ट की स्थापना हुई। तब से लेकर आज तक गुजरात सरकार एवं देवस्थान ट्रस्ट ने मंदिर के रखरखाव से लेकर तीर्थ यात्रियों को अधिक से अधिक सुविधाएं प्रदान करने के लिए समय समय पर ऐतिहासिक कदम उठाए हैं। गुजरात सरकार एवं देवस्थान ट्रस्ट ने लगभग 11 एकड़ में श्री अंबाजी कला वाणिज्य और BCA महाविद्यालय की स्थापना की है। इसके साथ ही यहाँ एक संस्कृत महाविद्यालय भी है, जिसमें धर्म के साथ साथ अपनी संस्कृति की भी शिक्षा दी जाती है। यात्रियों को आवास और आराम प्रदान करने के लिए यहाँ श्री अंबिका विश्राम गृह और श्री जगत जननी पथिकाश्रम हॉलिडे होम की व्यवस्था है। गुजरात सरकार एवं देवस्थान ट्रस्ट ने शहर में आधुनिक सुविधाओं से लैस एक अस्पताल का निर्माण भी करवाया है, जो कई वर्षों से अपनी सेवाएं प्रदान कर रहा है। गुजरात सरकार एवं श्री आरासुरी अंबाजी माता देवस्थान ट्रस्ट के प्रयासों को प्रोत्साहित करने हेतु उनका समर्थन हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी हमेशा से करते रहे हैं। 51 शक्तिपीठों की प्रतिलिपि को इस देवस्थान पर स्थानांतरित करना उन्हीं की सृजनात्मक सोच का परिणाम है। निष्ठा, समर्पण एवं हृदय में सेवाभाव लिए श्री आरासुरी अंबाजी माता देवस्थान ट्रस्ट सभी श्रद्धालुओं का श्री आरासुरी अंबाजी माता मंदिर के तीर्थ स्थान में सदैव स्वागत करता है। रिद्धि दे सिद्धि दे, वंश में वृद्धि दे, हृदय में ज्ञान दे, चित्त में ध्यान दे, अभय वरदान दे, दुख को दूर कर, सुख भरपूर कर, आशा को संपूर्ण कर, सज्जन जो हित दे, कुटुंब में प्रीत दे, जग में जीत दे, माया दे साया दे, और निरोगी काया दे,
मान सम्मान दे, सुख समृद्धि और ज्ञान दे, शांति दे, शक्ति दे, भक्ति भरपूर दे।